हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तबीयत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल लाया गया था कैदी को, लेकिन गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया, और उसके बाद पीजीआई ले जाते समय रास्ते में ही कैदी ने दम तोड़ दिया। जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ये कैदी जेल में बंद था। जेल में बंद कैदी की इस मौत को लेकर आपको और जानकारी दे दें, तबीयत बिगड़ी जिसके बाद सरकारी अस्पताल लाया गया और उसके बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत में जब पीजीआई ले जाया जा रहा था इस कैदी को, तो इसने दम तोड़ दिया रास्ते में ही। नारनौल जेल की घटना है, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में ये कैदी जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि कैदी संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीजीआई रेफर किया गया, और जब इस कैदी को पीजीआई ले जाया जा रहा था, सड़क पर ही कैदी ने दम तोड़ दिया। नारनौल जेल की घटना। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता महासिंह हमारे साथ जुड़ गए। महासिंह का क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर कैदी को क्या हुआ था अचानक से जिसकी वजह से इस कैदी ने दम तोड़ दिया? देखिए, डीएसपी की माने तो रात को इसके नारनौल जेल में तबीयत बिगड़ी थी, वहां से इसको नारनौल से उसका ले जाएगा, वहां से रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया। रोहतक लेके जा रहे थे तो दादरी के पास पहुंचे तो वहां रास्ते में इसने दम तोड़ दिया था। दम तोड़ने बाद डेड हाउस नारनौल रखा गया है, यहाँ पर दादरी रखा गया है, यहाँ पोस्ट मार्टम करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ आरोप लग रहे हैं कि जेल के अंदर झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से कैदी की मौत हुई है अभी, लेकिन प्रशासन ने या पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा। ये मामला जांच का विषय है, बाद में ही पता चल पाएगा। जी महासिंह, क्या जेल के अंदर के लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि जेल के अंदर कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से इस कैदी की मौत हुई है, उस झगड़े में इस कैदी के ऊपर हमला हुआ है, इस तरह की कोई जानकारी कहां से मिल पा रही है? क्या परिजनों का ये आरोप है? देखिए, ये जो झगड़े की जो बात आ रही है, ये सूत्रों के अनुसार या वैसे चर्चाओं के अनुसार है, लेकिन प्रशासन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा। उनका यह कहना है कि इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद पता चल पाएगा कि तबीयत बिगड़ी है या झगड़ा हुआ था। लेकिन जो जिस कैदी की मौत हुई है, यूपी का रहने वाला, दो दिन पहले ये को झूठ मुई बच्ची से गलत काम के मामले में इसको जेल भेजा गया था, तो ये सारा जांच का विषय, जांच में ही पुलिस इसकी पुष्टि कर पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो खबर मिल पा रही है जेल के अंदर से, जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से, वो आपको बता रहे हैं कि जेल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ी है, और वहीं पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अचानक से तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में दम तोड़ दिया।